हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करते हैं वेक्टर। वेक्टर चैप्टर से अपने पास बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स के क्वेश्चन, जिनमें 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इस अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। क्लियर बात? तो आप लोग इसमें हर टाइप का क्वेश्चन स्टडी करेंगे, जो छोटे लेवल के क्वेश्चन है उनको भी अपने को पढ़ना है, मीडियम भी और अच्छे क्वेश्चंस भी, बिकॉज 3 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में आने। तो ध्यान दें, अपन इस वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आज स्टडी करेंगे, वो देखेंगे। डायरेक्टली मैं आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग उनको अच्छे से कवर करें। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई के माइनस टू जे के विच एज मैग्नीट्यूड सेवन यूनिट। सपोज इट क्वेश्चन वेक्टर आई केप माइनस टू जे केप की डायरेक्शन में 7 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड आउट करना है। एट फर्स्ट आप लोग ध्यान देंगे इसका प्रोसेस क्या रहता है। जब भी आपको किसी वेक्टर की डायरेक्शन में किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो आप एट फर्स्ट इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले उसके डायरेक्शन में क्या फाइंड आउट करोगे? यूनिट। सपोज दैट दिस इज द वेक्टर ए वेक्टर। एट फर्स्ट वी फाइंड ए केप। ए केप मींस जिसका मैग्नीट्यूड कितने यूनिट्स का है? 1 का। फिर आपको जितने यूनिट का वेक्टर फाइंड करना है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मींस लेमडा ए केप। जब भी आपको किसी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर की डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड करना है, तो सबसे पहली चीज आप लोग उसमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, देन जिस मैग्नीट्यूड का कैलकुलेट करना उस मैग्नीट्यूड से उसको मल्टीप्लाई। ध्यान दें, लेट जो वेक्टर गिवन है उसको अपन एज्यूम कर लेते हैं आई केप माइनस टू जे केप। नाउ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, देन वी गेट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 1 + 4 इक्वल्स टू कितना? √5। नाउ फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ध्यान दें, नाउ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर अपन कैलकुलेट करेंगे ए वेक्टर की डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स आई के माइनस टू जे के अपॉन √5। क्लियर? हेंस वेक्टर ऑफ 7 मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, 7 मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड करना है ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो अपन इसके यूनिट वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 7 से। मेन 7 ए केफ। ए केफ की वैल्यूज यहां नोट कर दो, आई केफ माइनस टू जे केफ अपॉन √5। सेपरेट कर देंगे 7 आई केफ अपॉन √5 माइनस 14 जे केफ अपॉन √5। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। इट्स क्लियर? इस अकॉर्डिंग आप लोगों को जब भी कोई वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करवा रहा है, तो आप उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, या किसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड कराना है तो यूनिट वेक्टर फाइंड करके उस मैग्नीट्यूड से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर बात? अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन गिवन आपको, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एट फर्स्ट वी कैलकुलेट सम ऑफ दीज वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, and then find the unit vector in the direction of sum of vectors. First we assume that c vector is sum of vectors a vector and b vector. So at first
लेट सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नाउ कैलकुलेट द सम, पुट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हियर, 2ik plus jk plus 3kk. Now, calculate the result, 4ik plus 3jk minus 2kk. This is C vector. C vector is the sum of A vector and B vector. Now, calculate the unit vector in the direction of sum of vectors. Unit vector in the direction of sum of vectors A vector and B vector equals to क्या होगा CK, because unit vector in the direction of sum of vectors A vector and B vector, sum of vectors A vector and B vector is noted by C vector. So unit vector in the direction of sum of vectors A vector and B vector equals to CK. CK equals to C vector divided by magnitude C vector. Now CK 4ik plus 3jk minus 2kk divided by magnitude of C vector. Magnitude of a vector is calculated by root of x square, means coefficient of ik का स्क्वायर प्लस कॉफिशियंट ऑफ जेके का स्क्वायर प्लस कॉफिशियंट ऑफ केके का स्क्वायर, इस अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया जाता है। बस सॉल्व आउट कर लेंगे इस चीज को, 4ik plus 3jk minus 2kk divided by root 16 plus 9 plus 4, 16, 9, 25 और 4, 29, इस अकॉर्डिंग अपन यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन गिवन आप लोगों को, फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर व्हेन, जब भी आप लोगों को दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कह रहा है, इट मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स इक्वल्स टू जीरो। इस चीज को माइंड रखें आप लोग, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स इक्वल्स टू जीरो। हाउ टू कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉफिशियंट ऑफ आई के प्लस कॉफिशियंट ऑफ जे के प्लस कॉफिशियंट ऑफ के ऑफ दीज वेक्टर्स। ध्यान दें, आई केफ का आई केफ से डॉट, जे केफ का कॉफिशियंट जे केफ के साथ डॉट, के केफ का कॉफिशियंट के केफ के साथ डॉट। इस अकॉर्डिंग अपन दो वेक्टर्स का क्या फाइंड आउट करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। यहां दोनों वेक्टर्स गिवन नहीं थे, एट फर्स्ट अपन इन दोनों वेक्टर्स को एज्यूम कर लेंगे, सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ध्यान दें, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू 2ik प्लस लेमडा jk प्लस 5kk एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ik प्लस jk प्लस kk। इट्स क्लियर? क्योंकि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो इट्स डॉट प्रोडक्ट इक्विवेलेंट टू जीरो। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो इट्स डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीरो। ये कंडीशन होगी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, माइंड में अच्छे से फिक्स कर ले इसको। Now, putting the value of A vector and B vector, 2ik plus lambda jk plus 5kk dot minus ik plus jk plus kk equals to 0. ध्यान दें, A vector और B vector दोनों की values अपन put कर चुके हैं, अब आप लोग इन दोनों का dot product calculate करेंगे। कॉफिशियंट ऑफ आई केफ मल्टीप्लाई बाई कॉफिशियंट ऑफ आई केफ मीन्स 2 इंटू माइनस 1, सिमिलरली कॉफिशियंट जे केफ मल्टीप्लाई होंगे प्लस लेमडा इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, सो टोटली इक्वल टू 0। माइनस 2 प्लस
लेमडा प्लस 5 इक्विवेलेंट टू 0, लेमडा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स लेमडा इक्वल्स टू माइनस 3, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा। क्लियर बात अच्छे से? तो इस अकॉर्डिंग आप लोग लेमडा कैलकुलेट करेंगे। दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब भी कहे आपका माइंड अटेंशन होना चाहिए ऑनली डॉट प्रोडक्ट पे, ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, आप लोग इस अकॉर्डिंग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। प्रूव करना है तो भी इक्विवेलेंट 0 प्रूफ कर देंगे, कभी भी किसी क्वेश्चन में ये नोट कर दिया जाए कि प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, सो वी कैलकुलेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स इक्वल्स टू 0, इट मींस दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ गिवन आप लोगों को, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। इफ यू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देन वी यूज फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा। एट फर्स्ट वी अज्यूम दीज वेक्टर, सपोज दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू 3ik प्लस jk प्लस 3k एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 2ik प्लस 2jk माइनस kk। ओके, नाउ अज्यूम करते हैं एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा देन कॉस थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिस इज द फॉर्मूला बिटवीन एंगल्स, वेक्टर्स के बीच के एंगल का फॉर्मूला है कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, 3ik प्लस jk प्लस 3kk डॉट 2ik प्लस 2jk माइनस kk डिवाइड बाय रूट ऑफ 9 प्लस 1 प्लस 9, 4 प्लस 4 प्लस 1, 3 टू जा 6 प्लस 2 माइनस 3, 9 1 10 और 9 19, 4 4 8 और 1 9, फाइनली cos थीटा इक्वल्स टू 6 और 2 8, 8 माइनस 3 5, 5 डिवाइड बाय 3 रूट 19, किसकी इक्विवेलेंट है cos थीटा की। यहां से अपन क्या कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा फाइंड कर लेंगे। सो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा रिजल्ट, जब एंगल थीटा फाइंड करना तो cos को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, इट मीन्स कॉस इनवर्स 5 अपॉन 3 रूट 19। इस अकॉर्डिंग आप लोग एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर बात अच्छे से? एंगल में कॉस थीटा तक आप लोगों को नहीं छोड़ना है, याद रखें एंगल थीटा एज्यूम किया था तो फाइनली आपको थीटा कैलकुलेट करना है, लास्ट में नीचे नोट करना। हेंस एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज कॉस इनवर्स 5 अपॉन 3 रूट 19, ये लास्ट की लाइन नोट कर देना। हेंस एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज कॉस इनवर्स 5 अपॉन 3 रूट 19। क्लियर बात अच्छे से? ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, इफ थीटा बी एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स ए केफ एंड बी केफ देन प्रूव दैट साइन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू हाफ ए केफ माइनस बी केफ का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा बाई 2 में हाफ ए केफ माइनस प्लस बी केफ का। दोनों सिमिलर टाइप से सोल्व होने हैं, ये क्वेश्चन बुक में था बट ये भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है, सिमिलर पैटर्न से सोल्व होने हैं। जिस अकॉर्डिंग अपन ए के माइनस बी के सोल्व करेंगे उसी अकॉर्डिंग ए के प्लस बी के। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग फिक्सेशन याद रखें, जब भी वेक्टर्स गिवन नहीं हो और मैग्नीट्यूड में दो वेक्टर्स का सम या डिफरेंस आ जाए उनको सोल्व करने का मेथड एक ही होता है सिर्फ कि उनका स्क्वायर किया जाए। आप लोग ऑलवेज इस चीज को माइंड में फिक्स कर लेना कि मैग्नीट्यूड ऑफ दो वेक्टर्स के सम और डिफरेंस का कभी भी आ जाता है तो वो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो सकता, इसलिए उनका क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। तो आप लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए के माइनस बी के कैलकुलेट करना तो इसका स्क्वायर करके ही सोल्व करेंगे, प्लस होता तो भी स्क्वायर करके।
अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर जो होगा वो किस चीज के इक्विवेलेंट होगा, ए केप माइनस बी केप डॉट ए केप माइनस बी केप। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर वेक्टर्स इक्विवेलेंट टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर का स्क्वायर। तो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का, अगर वे दोनों सिमिलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। क्लियर बात अच्छे से? तो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट नोट कर सकते हैं। अब इन दोनों को डॉट मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ए केप से पूरा ब्रैकेट डॉट होगा, देन माइनस बी केप से पूरा ब्रैकेट डॉट होगा। क्लियर बात अच्छे से? मल्टीप्लाई की ए केप डॉट ए केप माइनस ए केप डॉट बी केप माइनस बी केप डॉट ए केप प्लस बी केप डॉट बी केप। क्लियर बात? दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट या दो सिमिलर वेक्टर्स का डॉट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यह एज इट इज बी केफ डॉट ए केफ को ए केफ डॉट बी केफ, और ये सिमिलर वेक्टर्स तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट बी एंड सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये कंडीशन नोट कर देंगे। ये अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए केफ का मैग्नीट्यूड 1, ये दोनों सिमिलर एड हो गए 2 ए केफ डॉट बी केफ, ये 1 1 प्लस 1 2 माइनस 2 ए केफ डॉट बी केफ को ए केफ का मैग्नीट्यूड बी केफ का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा नोट कर सकते हैं। ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। ए केफ का मैग्नीट्यूड कितना 1, बी केफ का 1, कौन बचा 2 कॉमन यूज कर लो 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्लियर बात अच्छे से? इस अकॉर्डिंग ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आ गया। क्या ये वैल्यू किस चीज के इक्वल आ गई, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 की। कौन इक्विवेलेंट चल रहा है, मैग्नीट्यूड ए केफ माइनस बी केफ का होल स्क्वायर। तो यहां से बाद अपन सिर्फ स्क्वायर रूट लेना है। इसके फर्दर स्टेप में ध्यान देंगे आप लोग, ए केफ माइनस बी केफ का स्क्वायर किस चीज के इक्वल था, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अपन नीचे नोट कर देंगे और ए केफ माइनस बी केफ यूज करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट 4 का अंडर रूट 2, साइन स्क्वायर का अंडर रूट थीटा बाई 2। सो साइन थीटा बाई 2 किस चीज के इक्विवेलेंट आ गया, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए केफ माइनस बी केफ। तो यही तो अपने को प्रूफ करना था कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए केफ माइनस बी केफ अपॉन 2। क्लियर बात अच्छे से? तो इस अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे। कॉस वाला करना तो यहां प्लस से स्टार्ट करना, प्लस प्लस, कहीं भी माइनस नहीं आएगा। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बस यहां फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये चीज होगी। क्लियर बात अच्छे से? तो ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बस इसमें माइनस की जगह प्लस यूज करते ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर बात अच्छे से? देखो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो लास्ट क्वेश्चन किया था एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पुट अप होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी मैक्स इक्वल एंगल विद ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इट मींस इस वेक्टर का इन तीनों वेक्टर के साथ जो एंगल सेम हो रहा है वो इक्विवेलेंट होगा। ये चीज आप लोगों को प्रूफ करनी है। गिवन क्या है, ए बी सी आर 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इट मींस तीनों के मैग्नीट्यूड सिमिलर है और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, इस तरह से 3 वेक्टर्स है, सपोज 2 तो ये हो गए, तीसरा ये, तीनों परपेंडिकुलर है, ये इसके और ये दोनों भी आपस, तो 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मीन तीनों परपेंडिकुलर, हर 2 वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यहां जो क्वेश्चन में गिवन है एट फर्स्ट अपन उसकी कंप्लीट लैंग्वेज नोट करते हैं। गिवन क्या क्या है, ए बी सी आर 3 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड
एंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इट मीन्स सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी आर इक्वल एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर एंड टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर व्हेन डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स ए और बी परपेंडिकुलर, बी और सी परपेंडिकुलर, सी और ए परपेंडिकुलर, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स इक्वल्स टू जीरो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वर्ड से ये कंडीशन आ गई, मैग्नीट्यूड इक्वल था ये कंडीशन, ये तो गिवन था। अब जो प्रूफ करना है उसमें क्या करना है कि ये वेक्टर इन तीनों के साथ सिमिलर एंगल फ्रेम कर रहा है। तो सबसे पहली चीज मैं अज्यूम करता हूं, लेट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी मैक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अपन अज्यूम कर लिया कि ये वेक्टर जो है ये तीन नहीं सिंगल वेक्टर है, ये वेक्टर इन तीनों वेक्टर्स के साथ एंगल फ्रेम कर रहा है अल्फा बीटा और गामा। अब अपन कैलकुलेट करेंगे इनका एंगल, हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वी यूज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या ए डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स का डॉट और डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स। क्लियर बात? देखो अब अपन अल्फा बीटा गामा कैलकुलेट करेंगे। नाउ कॉस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा एंगल किन वेक्टर्स के बीच में है, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए वेक्टर के बीच, दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड में दोनों का मैग्नीट्यूड। नाउ मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कीजिए, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, बी डॉट ए एंड सी डॉट ए आर इक्वल्स टू जीरो, गिवन है अपने को, ए डॉट बी कहो या बी डॉट ए कहो, स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, सो ए डॉट बी एंड बी डॉट ए आर सिमिलर। ए डॉट ए को क्या नोट कर सकते हैं अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए डॉट ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। फर्दर दोनों स्टेप ये वाला और ये वाला किसके इक्विवेलेंट, जीरो के, अपॉन में देखना कौन है मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, इससे ये कैंसिल, कॉस अल्फा कौन आ गया मैग्नीट्यूड ए अपॉन मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली अपन कैलकुलेट करेंगे क्या कॉस बीटा एंड कॉस गामा, जब कॉस बीटा कैलकुलेट करोगे मैग्नीट्यूड बी आएगा, कॉस गामा कैलकुलेट करोगे मैग्नीट्यूड सी आएगा, अभी अपन फाइंड आउट करते हैं। इतना सबको क्लियर अच्छे से, गिवन कंडीशंस नोट की उसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड और म्यूचुअल परपेंडिकुलर का रिलेशन, देन एंगल एज्यूम किया, अब एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं कॉस अल्फा, सबको क्लियर अच्छे से देख, नेक्स्ट वन कॉस बीटा, कॉस बीटा एंगल फाइंड आउट करना है तो ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर? चलो डॉट प्रोडक्ट कीजिए दोनों वेक्टर्स का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए डॉट बी एंड सी डॉट बी बोथ आर इक्विवेलेंट टू जीरो गिवन कंडीशन से, बी डॉट बी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैंसिल आउट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है इसको इक्विवेलेंट टू नॉट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए के, बिकॉज गिवन था क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये गिवन है अपने को,
इसको अपन इक्वेशन पुट अप कर देंगे सेकंड। सिमिलरली कॉस गामा, देखना कॉस बीटा में मैग्नीट्यूड बी आया था, फिर वापस ए में पुट कर दिया, तो आप लोग सिमिलरली कॉस गामा फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली कॉस गामा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड सी अपॉन मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी, इक्विवेलेंट टू, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सी भी किसके इक्वल, मैग्नीट्यूड ए के, बिकॉज गिवन ए बी, दिस इज इक्वेशन थर्ड। डायरेक्टली भी नोट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं चलेगा, आप लोग सीधा इतना कहते हैं सिमिलरली कॉस गामा इक्वल्स टू ए, देन भी अपना क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब अपन नीचे नोट करेंगे, हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस गामा, इट मीन्स अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, इफ कोसाइन वैल्यू ऑफ दीज एंगल्स आर इक्वल इट मीन्स एंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर। क्लियर बात अच्छे से, इस अकॉर्डिंग अपन एंगल्स कैलकुलेट करेंगे, यही तो प्रूफ करना था मैक्स इक्वल एंगल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, इफ एबीसी आर थ्री यूनिट वैक्टर्स, यूनिट वैक्टर्स मीन्स क्योंकि एबीसी आर यूनिट वैक्टर्स, हैंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वैक्टर इक्वल्स टू वन, एंड क्या गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो गिवन है, फाइंड करनी है वैल्यू। याद रखें ऑलवेज ए बी बी सी सी ए कैलकुलेट करना है प्लस जीरो वाले स्टेप से, तो ऑलवेज इसका स्क्वायर करते हैं अपन, स्क्वायरिंग बोथ साइड नोट करते हैं, देखो कैसे स्क्वायरिंग को डायरेक्ट नहीं किया जाता, वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो वेक्टर डॉट, वैल्यू जीरो है तो जीरो डॉट जीरो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a डॉट a प्लस a डॉट b, पहले a वेक्टर से सबको, प्लस a डॉट c, देन b वेक्टर से, b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c, देन c वेक्टर से, c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस सी डॉट सी, इक्विवेलेंट टू जीरो। क्लियर बात अच्छे से, जीरो डॉट जीरो जीरो। नाउ ए डॉट ए की वैल्यू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी सिमिलर, ए डॉट सी को सी डॉट ए नोट कर सकते हैं, बी डॉट ए को ए डॉट बी कम्यूटेटिव लॉ से, बी डॉट बी को मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर, प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी को बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी को सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर बात अच्छे से, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वन, ए बी ए बी टू ए डॉट बी, बी सी बी सी, देखना बी सी भी डबल टाइम है, सी ए भी डबल टाइम है, और ये वन और वो वन, वन प्लस, जब ये प्रॉपर्टीज यूज की थी साइड में आप लोग ये चीज नोट कर देना, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए एंड ए डॉट ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, ये जब अप्लाई किया तो ए डॉट बी इक्विवेलेंट रहा है कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग, और सिमिलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। नाउ वन प्लस वन प्लस वन कितनी वैल्यू, थ्री, बाकी रिमेनिंग सब में टू कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ए बी बी सी सी ए की, प्लस थ्री राइट साइड में शिफ्ट होगा माइनस थ्री, टू मल्टीप्लाई में से शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड में, ये इसका फाइनली आंसर। क्लियर बात अच्छे से, इस अकॉर्डिंग अपन वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं ए बी बी सी एंड सी ए। क्वेश्चन अपने पास गिवन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, देन प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ध्यान दें आप लोगों को, इस टाइप के कई क्वेश्चन कर लिए अपन ने, जब भी दो वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड गिवन हो तो उसको सॉल्व करने का डायरेक्ट कोई प्रोसेस नहीं होता, ओनली स्क्वायर यूज करना है।
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से ही अपन इसको सॉल्व करते ना। स्क्वायर मैग्नीट्यूड का क्या नोट कर सकते हैं अपन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सिमिलरली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। नाउ अब देखिए दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। क्लियर? अब ध्यान दें आप लोग, ए डॉट ए मीन्स ए स्क्वायर, ये कैंसिल, बी डॉट बी से बी डॉट बी कैंसिल, रिमेनिंग टर्म्स में देखना ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, उन दोनों नेगेटिव पार्ट्स को इस साइड शिफ्ट करेंगे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए इक्विवेलेंट टू जीरो। वेक्टर इसलिए, वेक्टर नहीं सॉरी डॉट प्रोडक्ट है, जीरो रहेगा। ए डॉट बी बी डॉट ए बी डॉट ए सब सिमिलर है तो फोर ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अपन जब भी अपने पास दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इट मींस वे दोनों का अपन क्या कह सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कह सकते हैं। यही अपने को प्रूफ करना था। क्लियर बात अच्छे से? तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस या माइनस पे कभी भी फाइंड करना पड़े किसी भी क्वेश्चन में, आप ऑलवेज उसका स्क्वायर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन अपने पास इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देन फाइंड यूनिट वेक्टर एंड के विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन में दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करे, इट मींस उनका क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा। तो एन केफ यूनिट वेक्टर एन केफ विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। कभी भी आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, इट मींस उनका क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर ऑन बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। नाउ कैलकुलेट द ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटरमिनेंट की हेल्प से। इसमें फर्स्ट अपने पास रो आई जे के, सेकंड रो में कंपोनेंट्स आएंगे ए वेक्टर के, क्या है 3 1 2, सेकंड रो थर्ड रो में आ जाएंगे 2 माइनस 2 2। नाउ सॉल्व द डिटरमिनेंट, आई केफ के साथ 2 प्लस 4 माइनस जे केफ के साथ 6 माइनस 4 प्लस के केफ के साथ -6 -2, 6i k -2j k -8k k। ये कौन आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, अंडर रूट क्या बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, 36 + 4 + 64, 36 + 4 + 64, 36 + 4 + 64, कितनी वैल्यूज आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 104। इस चीज को 4 × 26 नोट कर सकते हैं, विच इज 2√26। ये आ गया अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब अपने पास यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे अपन, हेंस एन केफ इक्वल्स टू ए क्रॉस बी मीन 6i k -2j k -8k k डिवाइड बाय 2√26। 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 3i k -j k -4k k डिवाइड बाय √26। ये अपना फाइनली आंसर। क्लियर बात अच्छे से? इस अकॉर्डिंग अपन यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर ऑन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैलकुलेट कर सकते। क्लियर बात?
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रूव दैट ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए इक्वल्स टू 2abc। इट मीन्स अपने को इस बॉक्स को 2abc के इक्वल प्रूफ करना है। ध्यान देंगे बॉक्स कैसे सोल्व होता है, LHS पार्ट को सोल्व आउट करेंगे। LHS पार्ट में गिवन है बॉक्स ऑफ ए प्लस बी बी प्लस सी एंड सी प्लस ए। बॉक्स ऑफ ABC किस अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर क्रॉस थर्ड वेक्टर। ए प्लस बी एज इट इज डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। नाउ इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, नेक्स्ट सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो सी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। याद रखिए दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। रिमेनिंग टर्म्स नोट करते हैं एज इट इज। ये देखिए सी क्रॉस सी जीरो हो गया। नाउ मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इन दिस वेक्टर, देन देखो ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं अपन ब्रैकेट के सारे वेक्टर्स को, तो ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए। नाउ मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर सिमिलरली, देन बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए। इट्स क्लियर। नाउ ए डॉट बी क्रॉस सी को अपन बॉक्स ऑफ एबीसी नोट कर सकते हैं। बॉक्स को सोल्व आउट इसी अकॉर्डिंग किया जाता है, फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड, फर्स्ट डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड मींस बॉक्स, बॉक्स ऑफ ए बी ए बॉक्स ऑफ ए सी ए प्लस बॉक्स ऑफ बी बी सी प्लस बॉक्स ऑफ बी बी ए प्लस बॉक्स ऑफ बी सी ए। ध्यान दें बॉक्स में जब भी दो सिमिलर वेक्टर्स आ जाए देन वैल्यू ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू जीरो। तो अपने पास दो बॉक्स में वेक्टर सिमिलर आ जाए, देखिए ए ए ए ए बी 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 बी, इट मींस इन चारों बॉक्स की वैल्यू जीरो। तो अपन नीचे नोट कर देंगे क्योंकि ए बी ए इक्वल्स टू जीरो, एनी टू वेक्टर्स इन द बॉक्स आर सिमिलर देन वैल्यू ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू जीरो। थ्योरी में भी नोट कर सकते हैं। तो बचा कौन अपने पास, ए बी सी। देखो इसके फर्दर स्टेप ऊपर नोट कर रहा हूं मैं, ध्यान देंगे बॉक्स ऑफ ए बी सी नेक्स्ट वन जीरो, उससे नेक्स्ट जीरो, से नेक्स्ट जीरो, नेक्स्ट जीरो, नेक्स्ट वन बी सी ए। बी सी ए को क्या नोट कर सकते हैं अपन, ए बी सी। वैल्यू ऑफ ए बी सी बी सी ए सी ए बी आर इक्वल, तो बी सी ए को अपन किसके इक्वल नोट कर सकते हैं, ए बी सी के। वैल्यू ऑफ बोथ बॉक्स आर सिमिलर, सो ये देखिए ए बी सी प्लस ए बी सी बॉक्स ऑफ कितना बन गया, टू बॉक्स ऑफ ए बी सी। यही तो आपको प्रूफ करना था, दिस इज राइट हैंड साइड हेंस प्रूव। तो इस अकॉर्डिंग आपको एलएचएस को सोल्व करते हुए क्या फाइंड आउट करना था, आरएचएस। इट्स क्लियर अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। ध्यान दे कोप्लेनर का कंसेप्ट क्या होता है, थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर व्हेन बॉक्स ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स आर इक्विवेलेंट टू जीरो। जब भी आपको कभी क्वेश्चन में एक आ जाए कि तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो उन तीनों का बॉक्स किसके इक्वल, जीरो के। या फिर आपको कभी चार पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए कहा जाए, या चार पॉइंट्स को कोप्लेनर कह रहा है, इट मींस फोर पॉइंट्स आर कोप्लेनर व्हेन थ्री वेक्टर्स ए बी ए सी एंड ए डी बॉक्स ऑफ थ्री वेक्टर्स ए बी ए सी ए डी इक्वल्स टू जीरो। तो ध्यान रखें फोर पॉइंट्स आर कोप्लेनर व्हेन थ्री वेक्टर्स
आर फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स का बॉक्स इक्विवेलेंट टू जीरो। तो चार पॉइंट्स को अगर कोप्लेनर प्रूफ करना है तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। पॉइंट्स गिवन है, सबसे पहले उनसे वेक्टर्स फ्रेम करेंगे, ए बी ए सी ए डी। ए बी वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अक्स टू माइनस अक्स वन, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर कैलकुलेट करना है, मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल। अक्स टू माइनस अक्स वन आई के, वाई टू माइनस वाई वन जे के, जेड टू माइनस जेड वन के के, इस अकॉर्डिंग ए बी ए सी ए डी तीनों वैक्टर्स आ जाएंगे। फिर तीन वैक्टर्स अगर कोप्लेनर है मीन्स चारों पॉइंट्स भी कोप्लेनर। तो अगर चार पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूफ करना है, इट मींस बॉक्स ऑफ ए बी ए सी एंड ए डी वैक्टर इक्वल टू जीरो। अब यहां ये क्वेश्चन में तीन वैक्टर्स गीवन थे, उनको कोप्लेनर करना है। तो ध्यान दे, अपन क्वेश्चन में आप लोगों से कह रहा है कि वैक्टर्स आर कोप्लेनर, कि वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर, सो बॉक्स ऑफ दीज वेक्टर्स इक्वल्स टू जीरो। बॉक्स ऑफ दीज वेक्टर्स मीन्स टू माइनस वन वन। बॉक्स कैलकुलेट करने का प्रोसेस होता है जब अपने को कोफिशियंट इस तरह से अपने पास गिवन हो, तो टू माइनस वन वन, वन टू माइनस थ्री, तीनों वेक्टर्स के कोफिशियंट नोट कर देंगे, कंपोनेंट्स नोट करो, टू माइनस वन वन ए के, फिर बी के, देन सी के। अब तो ये कौन आ गया, डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट को इक्वल टू जीरो प्रूफ करके वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, लेमडा की। एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग आर वन, टू के साथ टेन प्लस थ्री लेमडा, माइनस माइनस प्लस वन के साथ फाइव प्लस नाइन, प्लस वन के साथ लेमडा माइनस सिक्स, ट्वेंटी प्लस सिक्स लेमडा प्लस फोर्टीन प्लस लेमडा माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। सिक्स और वन सेवन लेमडा, ट्वेंटी और फोर्टीन थर्टी फोर माइनस सिक्स ट्वेंटी एट इक्वल टू जीरो। यहां से लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सेवन लेमडा इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी एट, लेमडा इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी एट बाई सेवन, इट मीन्स माइनस फोर, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर बात अच्छे से, कोप्लेनर का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कोप्लेनर पे, तीन वेक्टर्स की बात करें तो तीनों का बॉक्स जीरो, चार पॉइंट्स की बात करें तो उनसे तीन वेक्टर फ्रेम करके उनका बॉक्स जीरो। ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हुज कोटर्मिनियस एजेस, कोटर्मिनियस एजेस मींस जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सिमिलर हो। तो जब आपको पैरेललोपाइड्स की तीनों एजेस गिवन है, लेट एजेस आर ए वेक्टर इक्वल्स टू टू आई के माइनस थ्री जे के प्लस फोर के के, इनको एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी, एंड सी वेक्टर इक्वल्स टू 2ik माइनस jk प्लस 2kk। नाउ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इक्वल्स टू, फॉर्मूला रहता है पैरेललोपाइड के वॉल्यूम का बॉक्स ऑफ abc, और एक वर्ड और आएगा टेट्राहेड्रोन, याद रखना इस चीज को भी, टेट्राहेड्रोन का वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करवाए, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रोन इट मींस वन सिक्स ऑफ एबीसी, वेयर एबीसी आर वही सिमिलर एजेस, कोटर्मिनियस एजेस होंगी, एबीसी आपको गिवन होगा, आप लोग बॉक्स कैलकुलेट करके वन सिक्स कर देंगे तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा, टेट्राहेड्रोन का। अगर टेट्राहेड्रोन का पूछ लेता सिमिलर क्वेश्चन में तो वन बाय सिक्स और करते, बस सिमिलर क्वेश्चन हो जाता। क्लियर बात अच्छे से, दोनों वर्ड याद रखेंगे, पैरेललोपाइड एंड टेट्राहेड्रोन। ये क्वेश्चन पैरेललोपाइड से रिलेटेड है तो अपने को बॉक्स कैलकुलेट करना है। बॉक्स को कैलकुलेट करने के लिए डिटरमिनेंट, ए वेक्टर के कंपोनेंट टू माइनस थ्री फोर, वन टू माइनस वन, टू माइनस वन टू। अब तो ये डिटरमिनेंट होगी, डिटरमिनेंट को सोल्व आउट कर लेंगे अपन, टू के साथ फोर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस थ्री के साथ टू प्लस टू, प्लस फोर के साथ माइनस का वन माइनस फोर, ठीक है बात। टू थ्री जा सिक्स, फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस ट्वेंटी कितना आ गया माइनस टू।
वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज नॉट नेगेटिव, वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज 2 cube units. वॉल्यूम कितना हो जाएगा फिर 2 हो जाएगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज 2 cube units. क्लियर बात अच्छे से? तो इस अकॉर्डिंग आप पैरेललोपाइड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप लोगों से टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम फाइंड आउट करवा रहा है वो भी आप कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं. क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ ए बी सी का स्क्वायर. एलएचएस पार्ट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए. बॉक्स को सॉल्व आउट करने का प्रोसेस ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस ए, यही प्रोसेस था. फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड क्रॉस थर्ड. इसमें देखिए ये क्रॉस फिर ये क्रॉस, इसको अपन सपोज कुछ वेक्टर एज्यूम कर ले तो 3 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया. लेट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू पी वेक्टर. उस केस में ए क्रॉस बी डॉट पी क्रॉस सी क्रॉस ए बन गया. नाउ अब इसको अपने को कैलकुलेट करना है. ए क्रॉस बी एज इट इज, इसमें अपन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे. फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर. पहले इसको लास्ट पे ले जाएंगे रिमेनिंग एज इट इज, फिर इसको पहले पे लाएंगे रिमेनिंग एज इट. तो P डॉट A C वेक्टर माइनस P डॉट C A वेक्टर. अब याद कीजिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, मींस ये तो स्केलर है, वेक्टर तो C वेक्टर ही ओनली. अब इसको डॉट कर दीजिए, ये वेक्टर वेक्टर किससे डॉट होगा? सिर्फ वेक्टर से. इट मींस A क्रॉस B डॉट C वेक्टर, ये एज इट इज P डॉट A, क्योंकि ये तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. फिर माइनस A क्रॉस B डॉट A वेक्टर, और ये क्वांटिटी स्केलर P डॉट C मल्टीप्लाई में. ओके, नाउ A क्रॉस B डॉट C को अपन नोट कर सकते हैं बॉक्स ऑफ A बी C. इस ब्रैकेट को देखना P वेक्टर, P वेक्टर कौन है? B क्रॉस C डॉट A वेक्टर. A B A, A B A बनेगा ये बॉक्स. P डॉट C, जब भी बॉक्स में दो वेक्टर सिमिलर आ जाए उसकी वैल्यू 0, इट मींस ये वाला 0. A B C, ये फिर से बॉक्स A डॉट B क्रॉस C आ गया ना, इट मीन्स ए बी सी, दिस वन 0. फाइनली ए बी सी का स्क्वायर विच इज आर एच एस. इस अकॉर्डिंग अपन ये एल एच एस पार्ट जो है किसके इक्वल आ गया? आर एच एस के. यही अपने को प्रूव करना था. क्लियर बात? अच्छे से सोल्व आउट कर लो. बस ये एक जगह यहां अपन क्रॉस क्रॉस ज्यादा हो गए थे, इसको एक वेक्टर एज्यूम कर लिया, उससे अपने पास क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया. लास्ट में वापस P को एज्यूम अपन ने वैल्यू पुट कर दी B क्रॉस C. क्लियर बात अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है. फॉर एनी वेक्टर A वेक्टर प्रूव दैट I क्रॉस A क्रॉस I प्लस J क्रॉस A क्रॉस J प्लस K क्रॉस A क्रॉस K इक्वल्स टू 2 A वेक्टर. एट फर्स्ट अपने को क्वेश्चन में जब भी ये वर्ड लिखा जाए फॉर एनी वेक्टर, इट मींस आपको उस ए वेक्टर को एज्यूम करना है. बट उससे भी पहले मैं यहां जो क्वेश्चन गिवन है इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है,
तो आप लोग सबसे पहले एनएचएस को थोड़ा सोल्व कर लो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करते हुए। ध्यान दें, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आई डॉट आई ए वेक्टर माइनस आई केफ डॉट ए वेक्टर आई केफ प्लस जेकेफ डॉट जेकेफ ए वेक्टर माइनस जेकेफ डॉट ए वेक्टर जेकेफ प्लस केकेफ डॉट केकेफ ए वेक्टर माइनस केकेफ डॉट ए वेक्टर केकेफ। क्लियर? नाउ अब देखो आई डॉट आई वन, जे डॉट जे बी वन, के डॉट के बी वन, ए आई केफ डॉट ए केफ ए वेक्टर को ए वेक्टर डॉट आई केफ इंटू आई केफ प्लस ये वन इसको ए डॉट जे केफ इंटू जे केफ प्लस ये ए वेक्टर, ये ए वेक्टर डॉट के केफ इंटू के केफ। ध्यान दे ए प्लस ए प्लस ए थ्री ए वेक्टर माइनस सब में इनमें कॉमन ए डॉट आई केफ प्लस ए वेक्टर डॉट जे केफ प्लस ए वेक्टर डॉट के केफ। अब देखिए इसके बाद अपन इस ए वेक्टर को एज्यूम करेंगे। ये आपका एक क्वेश्चन अलग से सेपरेट भी फ्रेम हो सकता है कि प्रूव दैट फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर ए डॉट आई आई प्लस ए डॉट जे जे प्लस ए डॉट के इक्वल टू ए वेक्टर, बिकॉज ये ए वेक्टर हो जाएगा तो थ्री ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू टू ए वेक्टर। तो इसको भी ए वेक्टर आपसे प्रूफ करवा सकता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया। तो अगर ये सेपरेट आता है तो भी आगे प्रोसेस सेम रहेगा और इसमें आ रहा है तो भी सिमिलर। लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केफ, देन ए डॉट आई केफ कैलकुलेट करो एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केफ डॉट आई केफ इक्वल्स टू एक्स आई डॉट आई वन, ए डॉट जे केफ कैलकुलेट करो वाई, ए डॉट के केफ कैलकुलेट करो जेड, तीनों वैल्यूज आ गई। अब पुट अप कर दो, नाउ थ्री ए वेक्टर, ए वेक्टर मीन्स एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केफ माइनस ए डॉट आई की जगह एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के केफ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो ये थ्री टाइम्स ये वन टाइम, थ्री में से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितने टाइम्स आ जाएगा टू टाइम्स कौन एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, इट मींस कौन आ गया टू ए वेक्टर। क्लियर बात अच्छे से? तो इस अकॉर्डिंग ये टू एक्स आई के वाई जे के जेड के किसके इक्वल हो गया टू ए वेक्टर, यही तो प्रूफ करना था विच इज आर एच एस। क्लियर बात अच्छे से? अगर ये क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होता तो आप लोग इस टाइप वाला पार्ट जो है इस साइड वाला ये अपन रिमूव कर देते। ये क्वेश्चन होता ए अज्यूम करो, ये फाइंड आउट करो, इसमें वैल्यूज नोट करो, वापस ये ए फ्रेम हो जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन। तो इस अकॉर्डिंग इसी एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आ गए अपने, एक तो ये वाला और एक यहां से ये क्वेश्चन। क्लियर बात अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 15 नंबर, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन वेक्टर। जब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन फाइंड करना है, सपोज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, देन फॉर्मूला होगा प्रोजेक्शन का डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर एंड डिवाइड में जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए ऑन बी वेक्टर, इट मीन जिस पर प्रोजेक्शन फाइंड करना उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड। एट फर्स्ट आप लोग इसमें एज्यूम कर लेंगे लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू आई के प्लस थ्री जे के प्लस सेवन के केफ एंड बी वेक्टर इक्वल टू सेवन आई के माइनस जे के प्लस एट के केफ। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर।
नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आई के प्लस थ्री जे के प्लस सेवन के के डॉट सेवन आई के माइनस जे के प्लस एट के डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 49 प्लस 1 प्लस 64। क्लियर बात अच्छे से। अब इनको सॉल्व आउट कर लो, 7 माइनस 3 प्लस 56, डॉट प्रोडक्ट में i का कोफिशियंट i से, j का j से, k का k से सॉल्व कर लेंगे, 60 अपॉन रूट 114। क्लियर बात अच्छे से। ये प्रोजेक्शन आ गया, इस अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन कैलकुलेट करते, याद इतना ही रखना है, ऊपर तो डॉट ही आना, बट जिस पर फाइंड आउट करना उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वर्टिसेज एबीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर 1 2 3 माइनस 1 0 0 एंड 0 1 2, वर्टिसेज ए बी सी ऑफ ट्रायंगल आर 1 2 3, ए तो 1 2 3, बी माइनस 1 0 0 एंड सी 0 1 2। क्लियर। नाउ फाइंड द एंगल एबीसी, लेट एंगल एबीसी इज थीटा, सो कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये थीटा एंगल किन वेक्टर्स के बीच फ्रेम हो रहा है, बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, क्योंकि cos theta इक्वल्स टू बी ए वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर डिवाइड बाई बी ए वैक्टर मैग्नीट्यूड एंड बी सी वैक्टर। क्लियर बात अच्छे से। cos theta का फॉर्मूला होता है a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, वैक्टर्स यहां बी ए और बी सी है। हियर बी ए वैक्टर एंड बी सी वैक्टर बताओ, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी ए चाहिए तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट, 1 माइनस माइनस प्लस 1 2, यह सब्ट्रैक्ट करोगे 2j के प्लस 3k के, इसको सब्ट्रैक्ट करो सी में से बी, 0 प्लस 1 आई के प्लस जे के प्लस 2k। अब आप इनके मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लो, 4 प्लस 4 प्लस 9 9 और 8 17। फिर बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लो, 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट है 6। क्लियर बात अच्छे से। इस अकॉर्डिंग बी ए बी सी, बी ए का मैग्नीट्यूड बी सी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब वैल्यूज पुट अप कर दो, नाउ कॉस थीटा बी ए डॉट बी सी मीन्स 2ik प्लस 2jk प्लस 3kk डॉट ik प्लस jk प्लस 2kk। क्लियर बात अच्छे से। तो ये आ गया अपने पास 2ik प्लस 2jk प्लस 3kk डॉट ik प्लस jk प्लस 2kk डिवाइड में रूट 17 रूट 6, डॉट प्रोडक्ट करते 2 प्लस 2 प्लस 6, रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10 अपॉन रूट 102। हेंस थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102। तो नीचे नोट कर देंगे, हेंस एंगल एबीसी इज कॉस इनवर्स 10 अपॉन रूट 102। क्लियर बात अच्छे से। देखिए, तीन वेक्टर्स गिवन है एबीसी सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा बी, लेमडा की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या गिवन है, ए प्लस लेमडा बी परपेंडिकुलर ऑन सी वेक्टर, सो ए प्लस लेमडा बी डॉट सी वैक्टर इक्वल्स टू जीरो। हियर ए प्लस लेमडा बी कैलकुलेट करते हैं, ओके ए वैक्टर कौन है, 2ik प्लस 2jk प्लस 3kk प्लस लेमडा बी, बी को लेमडा से मल्टीप्लाई करूं, माइनस लेमडा ik प्लस 2 लेमडा jk प्लस लेमडा kk, ik के टर्म्स एक साथ, जेके एक साथ, के एक साथ, ओके ये ए प्लस लेमडा बी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस ए प्लस लेमडा बी को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किसके साथ,
सी वेक्टर के साथ। सी कौन है? थ्री आई के प्लस थ्री जे के। आई का आई से डॉट, जे का जे से, के है नहीं तो वो कितना हो गया? जीरो। सिक्स माइनस थ्री लेमडा, सिक्स प्लस सिक्स लेमडा। फाइनली थ्री लेमडा इक्वल माइनस ट्वेल्व, लेमडा इक्वल टू माइनस फोर। तो इस अकॉर्डिंग अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? लेमडा की। कितनी वैल्यू आ गई? माइनस फोर। ये कैलकुलेट कर। ये काफी कुछ क्वेश्चंस अपन ने वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड किए हैं, आप लोग इनको अच्छे से कवर करें। और जो भी वन टू थ्री मार्क्स के सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों से डिस्कस किए हैं, आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।